राजीव गांधी आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में राष्ट्रीय वर्तमान आयुर्वेदिक शिक्षा व स्थिति तथा वार्षिक वैज्ञानिकों को 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ कांगड़ा चंबा लोकसभा के सांसद शांता कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सबसे प्राचीन पद्धति है, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में साथ चलना बहुत आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक युग में कब किस समय चमत्कार हो जाए, अब ये कहना कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ आगे बढ़ते हुए आयुर्वेद पर शोध होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एलोपैथी पद्धति वरदान तो है, लेकिन कभी कभी ये अभिशाप भी बन जाती है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के तहत देश में मरने वाले लोगों का मुख्य कारण दवाइयों का ओवरडोज होना सामने आया है, जबकि दूसरी ओर आयुर्वेद की अपनी एक विशेषता है और वे आयुर्वेद दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सांसद शांता कुमार ने कहा कि आयुर्वेद में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है व इस प्रकार की संगोष्ठियों से विचार के आदान प्रदान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आयुर्वेद पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है व प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का हर संभव सहयोग देने को तैयार है। संगोष्ठी के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि संस्था के सम्मुख जो मुख्य समस्याएं आ रही हैं, उनके निदान के लिए वे केंद्र व प्रदेश सरकार को अवगत करवाएंगे और इनका जल्द निदान किया जाएगा। बहुत अच्छा आयुर्वेद का काम अनुसंधान पठन पाठन हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया है। पूरे भारत में 10 प्रमुख महाविद्यालय में आपका नाम, ये सारा देखकर, ये सारा सुनकर मुझे आज से लगभग 50 वर्ष पहले का वो समय याद आता है जब हमारे परम मित्र वैद्य जगन्नाथ जी के मटौर में उसमें काम करने वाले विशेषकर प्रारंभ के अध्यापक प्राध्यापक बहुत परिश्रम किया और मुझे खुशी है उनमें से बहुत से आज यहाँ पर उपस्थित है। और ये भी खुशी है कि इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले आज ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। आज हिमाचल प्रदेश इसी विभाग की प्रबंध व्यवस्था में भी ऊंचे पदों पर है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अध्यापन शिक्षण उसका स्तर संतोषजनक है कि नहीं है, उसमें क्या किया जाए। बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए प्रसन्नता हुई ये युग विज्ञान का युग है, बहुत कुछ बदल रहा है। क्या बदल गया हैरानी होती। मुट्ठी में दुनिया है, मुट्ठी में दुनिया है। और 5-7 दिन के बाद, महीने के बाद विज्ञान टेक्नोलॉजी क्या चमत्कार कर देगा वो समझ नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले रिसर्च हो गई, उसके मुकाबले पर आयुर्वेद में शोध रिसर्च कम हो रही। अब उसमें कितनी आवश्यकता है कितनी आवश्यकता नहीं है ये तो विद्वान तय करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे अध्ययन में, हमारे शोध में, हमारे शिक्षण में, प्रशिक्षण में जो एक प्रगति होनी चाहिए समय के साथ, विज्ञान के टेक्नोलॉजी की बढ़ने के साथ साथ उसको साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और इस बात की भी आवश्यकता है कि हम इसके स्तर के बारे में ध्यान करें, क्योंकि दुर्भाग्य से जीवन के कुछ क्षेत्रों में भी हो रहा है। 2 वर्ष पहले इससे पूर्व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वाई के शर्मा ने संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सांसद शांता कुमार को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया व उपस्थित अतिथियों का भी स्वागत किया। इस दौरान स्मारिका का विमोचन भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस संगोष्ठी का आयोजन
विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। वह इस बार होने वाले 6 वैज्ञानिक सत्रों में शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका व फैकल्टी का प्रयास है कि इन संस्था को पीएचडी लेवल के साथ साथ एडवांस रिसर्च लैब व डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय के समक्ष आने वाली कमियों का भी व्याख्यान किया।